देश में पहले दौर के वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को 54,72,000 वैक्सीन डोज की सप्लाई की गई है। पुणे से देश के 13 शहरों में वैक्सीन डोज पहुंच गई है। इन्हें यहां से आगे भी ले जाया जाना है। सप्लाई आज भी जारी है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के 1,10,00,000 और भारत बायोटेक से 55,00,000 वैक्सीन डोज का शुरुआती ऑर्डर दिया है। कल तक पहले दौर के वैक्सीनेशन के लिए डोज हर जगह पहुँच जाएगी। शुरुआत सीरम से हुई है, लेकिन अब भारत बायोटेक से भी वैक्सीन की सप्लाई शुरू होगी। भारत बायोटेक को 55,00,000 डोज का ऑर्डर सरकार से मिला है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश में निर्मित ये दोनों वैक्सीन असरदार हैं। कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने स्पेशल कंटेनर में इन वैक्सीन को रवाना किया है, जिस पर GPS लगा हुआ है। साथ ही इन कंटेनर्स के साथ पुलिस भी चल रही है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है। शुरू में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का डोज लगेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके बाद 27 करोड़ उन लोगों का नंबर आएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर कोई गंभीर बीमारी है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुणे से देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, जहां से राज्य सरकारें वैक्सीन की खेपों को जिला स्तर पर पहुंचाने में जुट गई हैं। पूरी प्रक्रिया को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक का ब्राजील से करार हुआ है। करार के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन अब ब्राजील जाएगी। ब्राजील की कंपनी ने हाल ही में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के ऑफिस का दौरा किया था। टीम ने 7 और 8 जनवरी को भारत बायोटेक में डॉक्टर कृष्णा एला से मुलाकात की। तब भारत में ब्राजील के राजदूत ने कोवैक्सीन को लेकर रुचि दिखाई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन के कीमतों की जानकारी दी। सरकार की ओर से बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 110,00,000 डोज का फिलहाल ऑर्डर दिया है। इनकी कीमत 200 रुपए प्रति डोज है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 55,00,000 डोज का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है। इनमें से 16.5 लाख डोज भारत सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जबकि 38.5 लाख डोज की कीमत 296 रुपए प्रति डोज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली के तमाम नाकों पर प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसे 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत शामिल हैं। ये कमेटी कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार का नजरिया जानेगी और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देंगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को लेकर किसानों ने सवाल खड़े किए हैं। किसानों ने स्पष्ट कह दिया है कि ये कमेटी सरकार की पक्षधर है और इसके मेंबर्स कृषि कानूनों की वकालत कर रहे हैं। हम ऐसी कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। कमेटी पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि चारों सदस्य पहले ही काले कानून के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। किसान संगठनों ने 26 जनवरी के प्रोटेस्ट पर भी रुख साफ कर दिया है। किसानों का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर वो शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे, इसमें हिंसा होने जैसी कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आज किसान आंदोलन का 48वां दिन है। किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। आज किसान संकल्प दिवस मना रहे हैं, जिसमें कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य की गठबंधन सरकार में दरार की अटकलों को खारिज किया है। किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी और JJP में तनाव की रिपोर्ट के बाद CM और डिप्टी CM ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। शाह से मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में राजनीतिक स्थिति ठीक है, हमारी सरकार मजबूत है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हिंदू सेना ने TMC के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देवी सीता और राम भक्तों को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में ये FIR दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में हिंदू सेना की ओर से गुजारिश की गई है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान देवी सीता और राम भक्तों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। मंत्रिमंडल में 7 नए सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए सदस्यों के नाम पर मुहर लग गई है। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इंचार्ज अरुण सिंह भी मौजूद थे, जिस पर नामों को लेकर चर्चा हुई थी। कर्नाटक कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 7 की जगह खाली थी। भारतीय सेना के पास जल्द ही महिला पायलट होंगी जो बॉर्डर के पास ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस बात की जानकारी दी। जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि महिलाओं को आर्मी एविएशन में बतौर पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो ड्यूटी से जुड़ सकेंगी। अब तक महिलाएं आर्मी एविएशन कॉर्प्स में ग्राउंड ड्यूटी का हिस्सा हैं। भारतीय वायुसेना के पास 10 महिला फाइटर पायलट हैं, जबकि नौसेना में महिलाएं डॉर्नियर विमान उड़ा रही हैं। 10 लड़ाकू पायलटों के अलावा वायुसेना में 111 महिला पायलट हैं, जो परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ा रही हैं। लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा एलएसी पर तैनात जवानों को सप्लाई पहुंचाने के लिए सीमा सड़क संगठन ने सभी ऊंचे रास्तों से बर्फ हटाने का काम पूरा किया है। यहां तक कि डीबीओ रोड भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर से जाने वाली सड़कों से कई टन बर्फ को हटाया जा रहा है। इसके लिए बीआरओ की टीम ने प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया है। ये सड़कें कई स्थानों पर दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरती हैं। कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी चादरें हैं, जिसे हटाने का काम चल रहा है। कई इलाके बर्फ की वजह से पूरी तरह से बंद हो गए हैं। केदारनाथ धाम बर्फ के 3 फीट मोटी सफेद चादर से लिपटा हुआ है। केदारनाथ धाम में चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर परिसर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। भले ही धाम के कपाट बंद हों, लेकिन कुछ साधु बर्फबारी के बीच भी बाबा केदार की साधना करने में लगे हुए हैं। नवंबर से ही धाम में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण धाम में होने वाले सभी पुनर्निर्माण कार्य भी बंद हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गिरते तापमान के साथ शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। आज सुबह के वक्त दिल्ली का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री दर्ज किया गया था। कल अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आगामी दिनों में औसत से घने कोहरे की श्रेणी के बने रहने की संभावना है। बर्ड फ्लू महामारी की देश के 9 राज्यों में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल के अलावा कम से कम 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। बर्ड फ्लू वायरस कौओं और बाकी पक्षियों की जान तो ले ही रहा था, लेकिन मुर्गियों में 2 दिन पहले ही इसके संक्रमण का खुलासा हुआ है। वायरस का ताजा शिकार बने हैं मध्य प्रदेश के मशहूर कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां। छोटे से इलाके में सिमटा कड़कनाथ का बड़ा कारोबार वायरस की वजह से चौपट हो चुका है। झाबुआ के एक फार्म में रोजाना मुर्गियों की मौत हो रही है। जांच के लिए सैंपल लिए गए थे और कल रिपोर्ट आई तो झाबुआ के कड़कनाथ पालकों समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया। अकेले इसी फार्म में अब तक 2000 से ज्यादा मुर्गियां बीमारी से मर चुकी हैं। कुछ और राज्यों में बर्ड फ्लू के लिहाज से डराने वाली खबरें आ रही हैं। जयपुर में दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टार्क की बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो गई। इसके बाद जयपुर चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। राजस्थान में पशुपालन से जुड़े सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यूपी के दूसरे राज्यों से भी कोई पक्षी लाने पर रोक लगा दी गई है। भुवनेश्वर में भी एहतियातन नंदन कानन सेंचुरी को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी तक पक्षियों से इंसान में बर्ड फ्लू के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है।
बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर अपराधी की राजधानी बनती जा रही है। बीती शाम पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना पुनाईचाक इलाके की है। खबरों के मुताबिक रुपेश कुमार एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे थे, उसी दौरान उन्हें गोली मारी गई है। समसाधी घटना है जैसा कि हम लोगों को पता चला और अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए, तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बाकी हम लोग जाँच कर रहे हैं सभी तरीके की। नहीं अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है, देख के बॉडी को देख के जो लगता है। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की हत्या के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है तो बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। विवेक ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार 3 से 5 दिन के भीतर अपराधियों को पकड़े या फिर यह मामला सीबीआई को सौंपे। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पर कोई संस्था पहुंच नहीं सके। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा काटा। विधायक ने मेडिकल कॉलेज पर दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची का इलाज किए बिना उसे घर भेजने का आरोप लगाया है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर विधायक रोशनलाल वर्मा उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा काटा। इटावा में स्कूल के लिए घर से निकली 4 लड़कियों के लापता होने की खबर के बाद हड़कंप है। परिजनों ने लापता लड़कियों के साथ अनहोनी घटने की आशंका जताई है। पुलिस की 4 टीमें लड़कियों की तलाश में जुटी हैं। 4 लड़कियों में से 1 बालिग और 3 नाबालिग हैं। दतिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाउंसर नाबालिगों को मुर्गा बनाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और पीड़ित बच्चों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है और बच्चों को मुर्गा बनाने वाले बाउंसरों के नाम मांगे हैं। जामताड़ा गैंग पर अमरीकी विशेषज्ञों ने रिसर्च का मन बनाया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में डीजीपी स्तर की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी रिसर्चर जामताड़ा पहुंचकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कम पढ़े लिखे युवकों ने आईटी में महारत हासिल कर ली और पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बनाने लगे। जालौन में बाइक सवार गुट का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां बाइक से जा रहे युवक को बीच रास्ते में रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की। युवक की पिटाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब इस मारपीट का लोग वीडियो बनाने लगे तो मारपीट करने वाले मौके से भाग गए। भारत ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोल दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का सच बताते हुए दोनों को जमकर लताड़ लगाई है। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। जयशंकर ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत के मोस्ट वांटेड कैसे पाकिस्तान के मेहमान बने हैं। लिंकेजेस बिटवीन टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मस्ट बी फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड and addressed vigorously. We, in India, have seen the crime syndicate responsible for the 1993 Mumbai bomb blast not just given state protection but actually enjoying 5-star hospitality. We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda. And those who cover up for them are just as culpable.
विदेश मंत्री जयशंकर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी फितरत के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने को तैयार है, लेकिन हर बार उसका इकलौता खैरख्वाह चीन उसे बचा लेता है। जयशंकर ने आतंकवाद के चेहरे से नकाब हटाया तो आर्मी चीफ नरवणे ने सीधे सीधे शब्दों में चीन और पाकिस्तान को नसीहत दी कि ज्यादा अरमान न पालें। डाउट दैट पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर फॉर्म अ वेरी पोटेंट थ्रेट एंड देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ कोलिजिबिलिटी व्हिच कैनॉट बी विश्ड अवे एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कैलकुलस व्हेन वी आर फॉर्मुलेटिंग आवर प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज का दिन संकट भरा हो सकता है। डेमोक्रेट सांसद उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव का नोटिस ला चुके हैं। आज इस पर वोटिंग की तैयारी है। हालांकि राष्ट्रपति पेंस ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वो जो बाइडेन को सत्ता सौंपे जाने पर फोकस करें और महाअभियोग की कार्रवाई को टालें। स्पीकर पॉलिसी को लिखी चिट्ठी में पेंस ने कहा कि वो 25वें संशोधन को लागू नहीं करेंगे जिसके जरिए महाअभियोग लाया गया है। इस बीच ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 3 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है। तीनों सांसदों ने महाअभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसदों ने 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया है। उसी आरोप में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया है। इससे नाराज ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को चेतावनी दी है कि वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन देश बेहद गुस्से में है। ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने वाला है। न्यूयॉर्क में एक विमान हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें विमान जमीन पर गिरता हुआ दिख रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस विमान के पायलट ने इंजन में खराबी की रिपोर्ट की थी। स्पेन में बर्फीला संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी राजधानी मैड्रिड समेत कई शहरों की तस्वीरें लगातार वहां बढ़ते खतरे की गवाही दे रही हैं। इन सब के बीच तूफान फिलोमेना की वजह से पूरा मैड्रिड फिर बर्फ की मोटी चादर में लिपट गया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत दिख रही है। कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं। इस तूफानी संकट में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई जगह पर रेस्क्यू टीम हालात पर काबू पाने में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।